نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الا بذكر الله تطمئن القلوب صدق الله العظيم। तो सबसे पहले बात करनी थी, जितनी भी मैं बात करूंगा, और वसीम साहब ने और इंट्रोडक्शन कराने वालों ने कुछ ज़्यादा बता दिया है, इतना नहीं है। मैं कोई बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेंट आदमी नहीं हूँ, जैसे लोग आप हैं वैसे ही हूँ, बस थोड़ा सा इधर ज़माने को देखा है, तो उनमें से चीज़ें उठाई हैं और वो ही आप लोगों को पेश करने की कोशिश करूँगा। और अगर मल्टीमीडिया ऑन हो सकता है तो ठीक है, नहीं हो सकता तो फिर ज़बानी ज़बानी चलेगी। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ें। हम बहस तो बहुत करते हैं, कहीं पे भी चले जाएं, फिरके के रिलेटेड हो रही है, सहाबा इकराम को मानना चाहिए, वो कहता नहीं मानना चाहिए, फलाना ये कर दिया, तो फिरके के बोलने से पहले ये है कि हमें बुनियादी चीज़ों का पता होना चाहिए। तो दुरूद शरीफ पढ़ना इबादत है, और इसको बेशक दिखावे के लिए पढ़ें फिर भी इबादत है, और दिखावे के लिए ना भी पढ़ें फिर इबादत है। तो ये पढ़ते रहें और अल्लाह पाक का जिक्र ही दिलों को इत्मीनान बख्शता है। तो मैं सबसे पहले प्रिंसिपल साहब का और मेरे दोस्त हीम गरीबाल और नमान भाई बैठे हुए हैं, आपके जो कमज़ोर से टीचर हैं, ठीक है, जिस्मानी तौर पर कमज़ोर हैं लेकिन ये नॉलेज वाइज नहीं कमज़ोर, तो इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे साथ मेरे दो स्टूडेंट आई हैं, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। तो बकायदा चलते हैं, मुझे ये थोड़ा सा बता दें कि आप लोग मोटिवेशनल स्पीकर सुनना चाहते हैं या चाहते हैं कि जो नॉलेज थोड़ा सा गेन हो जाए और आपको पेशेंट के रिलेटेड कुछ मालूम हो। सर नॉलेज पेशेंट के रिलेटेड, ठीक है, तो मोटिवेशनल स्पीकर तो आपके पास हैं, तो ये बहुत मोटिवेट करते हैं, सामटाई बंदा कुछ भी कर देता है, इतना मोटिवेट कर देते हैं। तो आज थोड़ा सा एक्साइटमेंट करते हैं कि बेसिकली मेंटल हेल्थ यानी तरबीत, बेशक हमने इंसान को बड़े उमदा अंदाज में पैदा किया है, तो जब अल्लाह ताला ने इंसान को उमदा अंदाज में पैदा कर दिया तो उसमें खराबी नहीं होनी चाहिए। जो खराबियां पैदा करते हैं या तो हम पैदा अपने आप में पैदा करते हैं या फिर हम कोशिश करते हैं कि लोगों में खराबियाँ पैदा होनी चाहिए, और इसके लिए हमारा बहुत किरदार है। सोसाइटी ही बूस्ट करती है इन चीज़ों के लिए, सोसाइटी ही जनरेट करती है सारी प्रॉब्लम्स। कुछ अगर फॉल्ट आए जेनेटिकली तो वो एक अलग बात है, बाकी जितनी भी चीज़ें, आप डिप्रेशन में चले जाएं, आपको एंग्जाइटी हो रही है, या जितने भी आप डिसऑर्डर पढ़ चुके हैं और जितने पढ़ेंगे अभी, बहुत सारे आपको सोसाइटी ही जनरेट करके दिखाएगी। तो इसमें जो मोस्टली सबका फेवरेट होता है और जिसकी समझदार जल्दी लगती है वो होता है स्किज़ोफ्रेनिया, ऐसा ही है? यस सर। वो पॉजिटिव सिम्टम है, वो नेगेटिव सिम्टम्स हैं। तो उसमें जो रिसर्च बताती हैं वो कहती हैं कि मेल में ज़्यादा होता है और फीमेल में कम होता है, तो उसकी वजह क्या है, क्या रीज़न है बेटा कि मेल में ज़्यादा और फीमेल में कम होता है? फीमेल है तो हैप्पी वुमेन डे, ये रास्ते में आते आते मुझे पता चला कि आज तो वुमेन डे भी है, तो यहाँ पे स्ट्रेंथ भी ज़्यादा वुमेन की है, मेल कितने हैं, 2, 3, 4, 5 और 10 होंगे ज़्यादा इधर, बाकी तो स्टूडेंट हैं। और स्टूडेंट भी एक क्लास में कितने होते हैं, जो मेल स्टूडेंट है कितने हैं आप लोग, मेल टोटल 40 एक क्लास में, 2, 4, 5 ज्यादा ज्यादा एक क्लास में कितने हैं? तो उनमें भी काफी हद तक ना फीमेल की आती है सिम्टम्स, हमने झेला हुआ ये चीजें, ठीक है। तो फीमेल में इसलिए काम होती है कि उनका सोसाइटी के साथ रिलेशन और आना जाना काम होता है, मेल बाहर ज्यादा जाते हैं, उनका दूसरे लोगों के साथ तल्लुक ज्यादा होता है, बातचीत करने में ज्यादा होती है, और इस वजह से उनमें स्किज़ोफ्रेनिया की स्ट्रेंथ और स्किज़ोफ्रेनिया की सिम्टम ज़्यादा होती है। तो इस वजह से जितने भी लोग, जितनी फीमेल का ज़्यादा तल्लुक होगा सोसाइटी के साथ, जैसे जॉबियन है और कुछ और
जॉब करती हैं या कुछ भी अंजाम देती हैं काम, तो उनमें इन चीज़ों का रुझान ज़्यादा है एज कम्पेयर टू कि जो फीमेल घर में ही काम करती हैं। तो इस वजह से सोसाइटी जनरेट करती है भी जितनी भी चीज़ें होती हैं, और सोसाइटी भी चाहे तो आप लोगों के जितने भी सिम्टम्स हैं, आपके जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको कम कर सकती है। तो हमारे यहाँ बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, फीमेल जब आती हैं तो उनमें एक ही चीज़ यही होती है कि उनके घर प्रॉब्लम होती है। वो यही कह रहे होते हैं कि अगर हमारे मोहल्ले में पता चल गया, हमारे रिलेटिव में पता चल गया, उनमें ये होगा कि साड़ी तो कोई रिश्ता ही नहीं होना। ठीक है, तो जब ये सारी चीज़ें सोसाइटी को ही देख के हम कर रहे हैं, तो हम जितनी सोसाइटी के लिए और जो भी करते हैं, हम दूसरों को दिखाने के लिए करते हैं, अपनी सेल्फ सर्टिफिकेशन के लिए कुछ भी नहीं करते। कितने लोग हैं जो सेल्फ सर्टिफिकेशन के लिए करते हैं कुछ ईमानदारी से? नहीं है। हम पढ़ते हैं तो ग्रेड लेने के लिए, सोसाइटी में दिखाने के लिए, बच्चे की जॉब होगी तो माए पेरेंट्स, अगर पहला पहला बच्चा मेरी तरह हो जाए जिसकी जॉब, तो मोहल्ले में वक्त डाल देंगे साडा मुंडा नौकरी लग गया। ठीक है, तो जितने भी काम हैं हम सोसाइटी के लिए करते हैं, अपने लिए कभी भी नहीं करते। तो कोशिश करें कि जो काम भी करें आप अपने लिए करें, या उसका सोसाइटी को कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट पे आइए जब भैया क्या है ये, चलें करते जाए नेक्स्ट नेक्स्ट। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक डेफिनेशन पेश की है, तो वो डेफिनेशन क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि अ स्टेट ऑफ वेलबींग इन विच इंडिविजुअल रियलाइज हिज और हर ऑन एबिलिटी। मेंटली जो हेल्दी बंदा है उसमें ये चीज़ें होती हैं कि उसको अपनी एबिलिटीज का पता होता है। तो किस किस को पता है अपनी एबिलिटीज का, कि आप क्या कर सकते हैं, कुछ तो बोलें, बताएं बेटा। तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, तो मोटिवेशन होना बहुत जरूरी है। जैसे सर किधर गए हैं, सर बहुत मोटिवेट करते रहते हैं, कल भी एक लेक्चर में सुन रहा था और बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर देते हैं। मैं कुछ नहीं चाह रहा था यहाँ पे आना, एक मुझे काम भी था, लेकिन वो रात का लेक्चर सुनने के बाद मुझे पता चला कि नहीं कुछ करना चाहिए। कोप विद नॉर्मल स्ट्रेस ऑफ लाइफ, तो जो नॉर्मल स्ट्रेस हैं और अबनॉर्मल स्ट्रेस कौन से होते हैं, कौन से स्ट्रेसर्स हैं जो अब नॉर्मल हैं और कौन से हैं जो नॉर्मल हैं। जो नॉर्मल हैं, क्योंकि आप लोगों ने बोलना नहीं, अपने क्वेश्चन को मैं खुद ही आंसर करूंगा। तो जो नॉर्मल स्ट्रेसर हैं वो जो डेली लाइफ के आपके हैं, जैसे आप कॉलेज जाते हैं, आपको एक असाइनमेंट दी गई है कि आप लोगों ने ये असाइनमेंट बनानी है, उसके बाद आपने उसको प्रेजेंट भी करना, ये एक नॉर्मल स्ट्रेसर है। उसके साथ साथ पेपर आ गए हैं, और पेपर में अब ये है कि जो मेंटली हेल्दी पीपल होते हैं वो तो कोप कर जाते हैं, जो नहीं होते वो क्या करते हैं, उनमें कन्वर्जन की सिम्टम्स आती हैं। और हमारे पास बहुत सारे बच्चे आजकल आ रहे थे जब कोरोना वायरस का के बाद स्कूल ओपन हुए और टीचर ने सबक ज़्यादा देना शुरू कर दिया, और उनके काम काफ़ी पड़ा हुआ था, फिर पेपर होने थे, और पेपर के बाद ये हुआ कि कुछ बच्चों ने परफॉर्म किया और कुछ बच्चे ऐसे थे जो चाहते थे अल्लाह करे मेरे रास्ते में एक्सीडेंट हो जाए। ठीक है, तो वो नहीं जाना चाहते थे, और बिलीव करें ये कोई अपने से नहीं कह रहा मैं, और लोगों की जब मैंने हिस्ट्री ली तो उसमें से यही पता चला वो पेपर की वजह से जा रहे थे, तो कोई सीरियस डिजीज हो और हमारा बहाना बने हम पेपर नहीं दें। तो इसका मतलब ये है कि वो जो नॉर्मल स्ट्रेसर था उसके लिए वो अब नॉर्मल बन गया, वो उसको कोप करना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। तो कोप कैसे करना था कि आप अगर डेली रूटीन आपकी बेहतर हो, आप उन चीज़ों को साथ साथ ले कर चलते रहें, तो वो चीज़ें हो जाती हैं। अगर आप नहीं ले कर चलते हैं तो वो चीज़ें पेंडिंग होती हैं, जब पेंडिंग हो जाती हैं तो उसमें भी मसला आना शुरू हो जाता है, फिर आप उसको कोप करने के लिए एनर्जी डिक्रीज हो जाती है और आप जा रहे होते कोई बहाना बने और एक साल ज़ाया हो जाए। ठीक है, आप लोगों में कितने लोग थे जो चाहते थे कि अल्लाह करे बुखार हो रहे टेम्परेचर के लिए? मेयर तो मोस्टली कहते हैं, क्योंकि उनके पास बाइक होती है, वो कहते हैं अल्लाह करे कि मर जाए, लेकिन पेपर ना देने पे कैन वर्क प्रोडक्टिवली एंड फ्रूटफुली
प्रोडक्टिवली वर्क करे और फ्रूटफुली हो। फ्रूटफुली का क्या मतलब है कि उसका फल होना चाहिए, और फ्रूटफुली जब आप काम करते हैं तो उसका फायदा सोसाइटी को होता है, एंड एबल टू मेक अ कंट्रीब्यूशन टू हिज और हर सोसाइटी एंड कम्युनिटी। मुझे एक लतीफा याद आ गया, तो एक बंदा था बल्कि बादशाह था, और उसके पास उसका वजीर आया जो बहुत जहेता था। उसने आगे कहा, जी बादशाह सलामत हमारे राया में एक ऐसा बंदा है वो करता बड़े करता है। उसने, क्योंकि बादशाह करता भी देखते थे, करते कुछ नहीं थे, आजकल तो वक्त पड़ा हुआ ना वो इस्तेमाल का वोट लेने का, तब करतब और करते थे। और उन्होंने कहा बुलाएं उसको, करतब देखते हैं क्या करता है। बंदे को बुलाया गया, उसने करतब दिखाया। करतब क्या था कि वो 10 फुट के पास में थे, एक सुई की नलके से दूसरी सुई को गुजार देता था। तो जब उन्होंने देखा कि उसने वैसे किया, तो बादशाह ने कहा कि इसका ना सर कलम कर दे। अब वो बहुत हैरान हुआ कि मेरा सर क्यों कलम करना है। तो जब बंदा मरने वाला होता है वो आखिरी सवाल तो पूछ ही सकता है ना कि मरते जाना है, लेकिन एक क्वेश्चन पूछ लूंगा। उसने क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन किया था, उसने कहा कि मेरा सर क्यों कलम करना है आप लोगों ने। तो उसने कहा कि ये काम कितनी देर में सीखा। उसने कहा कि मुझे कुछ 10 साल लग गए इसको सीखते सीखते। तो उन्होंने कहा कि आपने जिंदगी के 10 साल जाया कर दिए हैं, इसलिए आपका सर कलम किया जाता है। कोई ऐसा काम करें जो कंट्रीब्यूशन हो सोसाइटी के लिए। जब आप कंट्रीब्यूशन नहीं करते उस काम का कुछ फायदा नहीं है। आप करते रहे ना करें, सोसाइटी को अगर फायदा है तो वो काम करें, अगर उसका कोई फायदा नहीं तो आप अपना टाइम वेस्ट करते हैं और जिसको करतब दिखाते हैं उसका भी टाइम वेस्ट करते हैं। नेक्स्ट चाहिए कभी। अब ये मेंटल हेल्थ के लिए रिस्क फैक्टर्स हैं कुछ, और उनको चाह रहा हूँ तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा इनके बारे में बताऊँ। बहुत सारे का आपको पता होगा, लेकिन थोड़ा सा मैं भी एलाबोरेट करने की कोशिश करूँगा। तो इन जो रिस्क फैक्टर्स हैं, इसमें ये होता है कि आप लोग जब कोई पेशेंट आएगा आप उसको देखेंगे तो ये रिस्क फैक्टर ही आपको बताएंगे कि इसको कहाँ पर प्रॉब्लम हुआ है और केस फार्मुलेशन कैसे करनी है। अब हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं, उनको केस फार्मुलेशन का भी नहीं पता होता। कैसे करते हैं केस फार्मुलेशन? वो शायद पूछते नहीं, इस वजह से मैं चाह रहा हूँ कि मैं थोड़ा सा चाहिए होती हैं। जब आप बायोसाइको सोशल मॉडल पे जाते हैं तो आपको पता होता है कि कौन से फैक्टर्स हैं जो रिस्क फैक्टर्स हैं, और अगर आपको पता हो कि ये रिस्क फैक्टर्स हैं तो आप उस चीज़ को कॉप करने में पेशेंट की हेल्प करते हैं। पेशेंट को मैनेज किया जाता है, ट्रीट नहीं किया जाता, क्योंकि जितनी भी चीज़ें हैं साइकोलॉजिकल जितनी भी चीज़ें आती हैं उनको मैनेज करके आप ठीक रह सकते हैं। अगर आप कहें कि ये ट्रीट हो जाए, ट्रीट तो हो ही नहीं सकता, तो कहते फलां चीज चाहिए। बच्चियां तो छोटे छोटे उनके मसले ये चलते। तो फैमिली जो है वो कैसे रिस्क फैक्टर है? फैमिली अगर सपोर्टिव है तो वो प्रोटेक्टिव फैक्टर है, और अगर फैमिली सपोर्टिव नहीं है तो आपके लिए रिस्क फैक्टर है। इसमें जो मेन चीज़ है वो ये है कि फैमिली आपको अप्रिसिएशन देती है कि नहीं, अप्रिसिएट करती है कि नहीं, और मोस्टली वो चीज़ें होती हैं जो फैमिली को फोनली बोतर ही नहीं करती। आप जो मर्जी करके आ जाएं, आप सारा दिन भट्टे पे काम करें, आपको इतना थकावट हो जाए तो आप घर में आते हैं, अगर आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करती है तो आपकी थकावट उतर जाती है, अगर आपकी फैमिली आपको सपोर्ट नहीं करती तो आपको प्रॉब्लम होना शुरू हो जाते हैं। हमारे साथ बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो आगे बताते हैं कि कोई पूछता नहीं घर में जा पाते हैं। फीमेल में यही होता है, मेल में भी यही होता है। फीमेल में बहुत सारी ऐसी फीमेल हमारे पास आती हैं जो सारा दिन काम करती हैं, घर का इतना काम होता है, और उनमें से एक देवरानी या उनकी नंद वगैरह जो होते हैं वो जॉब करती है सारा दिन, और जब घर आती है तो प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है कि आपने किया गया सारा दिन। तो जो जॉब करने वाला बंदा है वो बहुत कुछ करके आता है, तो जो घर की फीमेल है वो सुबह उठती है, मैं अगर अपने घर का बताऊं तो 4 बजे से पहले उठ जाते हैं लोग, और मेरे सोने के बाद दूसरे लोग सोते हैं जो घर के काम करने वाले हैं। और अगर मैं जाके यही कहूँ कि मैं तो बहुत काम करके आया हूँ तो ये नाइंसाफी होने के लिए। तो जो फैमिली में जितने प्रॉब्लम ज़्यादा करते हैं उनको फाइंड आउट करना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो कौन से हैं जो आप। उसके साथ साथ जो हमारे पास बच्चे आ रहे हैं उन्हें क्या होता है कि
बच्चों को इन्वॉल्व भी नहीं किया जाता। एक बच्चा है वो कोई बातचीत हो रही है वहाँ पे आके बैठा है, तो पेरेंट्स कहना जाओ बच्चों में जाकर बैठो, और अगर बच्चों में चला गया तो वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता, वो कहते हैं आप बड़ों में जाकर बैठे। तो जब पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ सलाह मशवरा ये नहीं करते, बेशक वो छोटा है वो बड़ा है, उसमें सेंस डेवलप हो गई है तो वो आपको अच्छा मशवरा दे सकता है। और अगर आप क्या कह रहे हैं कि वो अच्छा मशवरा नहीं दे सकता, तो फिर जब तक आप मशवरा करेंगे नहीं उसको क्या पता कि मशवरा क्या होता है और मैंने इसको टैकल कैसे करना। तो आप बच्चों को इन्वॉल्व करें, आप तो स्टूडेंट हैं, जब आप फैमिली में देखेंगे तो बच्चों को इन्वॉल्व लाजमी करें। अब कहते हैं जी बच्चे खर्चा बहुत करते हैं, जब घर से जाते हैं इतने पैसे ले जाते हैं, कोई चीज़ वाला आ जाता तो वो आजकल साइकिल पे फिरते हैं, रिकॉर्ड लगाई हुए हैं और वो गोलगप्पे वाला आ गया, उसके साथ साथ पापड़ वाला आ जाता है, कुल्फी, आजकल तो स्ट्रॉबेरी के लिए भी उन्होंने रिकॉर्ड लगाया हुआ। तो बच्चे जाते हैं पैसे खाते हैं और वापस आ जाते हैं, और हर माँ का यही रोना होता है कि पैसे खा गया बस ले गया, क्यों खाता बच्चा पैसे? बच्चे का पैसे खाने का यही एक गलमी है कि उसको पता ही नहीं कि पैसा आ कहाँ से आया। जब आप बच्चे को इन्वॉल्व करते हैं, आप कुछ लेने जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने फ्रिज खरीदना है, वॉशिंग मशीन खरीदनी है, आप तो ज़रा बड़े घरों से बच्चे लग रहे हैं, जो फैमिली की जो गांव के लोग हैं या थोड़े मिडल से नीचे लोग हैं उन्होंने पैसे इकट्ठे किए होते हैं और वो कमेटियाँ डालती हैं, बहुत कुछ होता है, उसके बाद उन लोगों ने कुछ ना कुछ खरीदना होता है। जब बच्चे को पता ही नहीं कि मेरी माँ ने कितने वक्तों से ये कमेटी डाली थी, उसको क्या पता खाने के लिए। अब बच्चे को साथ लें और बच्चे को बताएं कि मैं इतने पैसे रोज के निकालती हूँ अपने राशि, और फिर मैं इसी तक पहुँची को अपन ये चीज़ लें। जब बच्चे को साथ लेके जाते हैं और दुकानदार से बहस होती है 100 रुपये से 50 रुपये के लिए 200 रुपये के लिए होती है, तो बच्चे को पता चलता है कि ये 50 रुपये या 100 रुपया कितना इम्पोर्टेंट है जो मैं हर रोज खा रहा हूँ, ठीक है। तो जब वहाँ पे चलते हैं कई दफ़ा ऐसा होता है कि पेरेंट्स को वो शॉप छोड़नी पड़ती है, 100 रुपये के लिए तो नहीं सोता बंदा, वो नेक्स्ट पे चले जाते हैं, वहाँ पे जाते हैं तो मैं भी वो इससे भी ज़्यादा डिमांड होता, तो घूम घूम आके शायद उसी शॉप पे दोबारा आना पड़े। तो वहाँ पे एक ऐसी चीज़ फील होती है कि अब हमारी बेइज्जती है कि हम वापस उसी दुकान पे जा रहे हैं जहाँ से हम सौदा छोड़ के आए थे, और मोस्टली लोग वहाँ पे नहीं जाते। अब वापस आया, वापस आकर हमने दोबारा वही चीज़ ली, तो एक गिल्ट फील होता है। तो उस गिल्ट को इम्प्रूव करने के लिए जितने भी लोग आप बैठे हुए हैं, जब आप गिल्ट फील करते हैं तो आप चाहते हैं कि जिसकी वजह से मुझे गिल्ट हो रहा है ये चीज़ें इम्प्रूव होनी चाहिए, मेरा गिल्ट नहीं हो, ठीक है। तो कुछ भी आप पढ़ते हैं, आप कहीं पे चले जाते हैं, आप क्लास में प्रेजेंटेशन नहीं दे पाते, आपकी जो क्लास है अगर उसमें से फॉर एग्जाम्पल 100 बच्चे हैं तो उसमें 25% लोग होंगे जो इजीली दे सकते हैं, और उसमें से 75 जो पर्सन है वो ऐसा होता है कि वो धक्का लगा के उनको डाइस पहुँचाना पड़ता है, और उसमें से बॉयज ज़्यादा होते हैं। ऐसे ही है, प्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि अभी नहीं कर रहे तो तब क्या करना है, अभी तो आप सीट पे बैठे हैं, यहाँ पे आना ज़रा मुश्किल होता है, और ये बहुत सपोर्ट करता है। सपोर्टिव चीज़ों को कभी नहीं छोड़ें, बात कहीं से कहीं निकल जाती है, हम वापस वहीं पे आएंगे। सपोर्टिव चीज़ें, आप लोग कहते हैं कि आप बच्ची पे नहीं लिख के ले जाएं आपने चीज़ों को, हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं डिप्रेशन की वजह से ना मेमोरी लॉस हो जाती है, मेमोरी में प्रॉब्लम आने शुरू हो जाते हैं। आम क्लास में भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो मैट्रिक में थे तो मेमोरी बहुत अच्छी थी, जब यहाँ तक आए तो मेमोरी बहुत खराब कहते हो गई, चीज़ें नहीं याद रहती, एक पैरा याद किया अगले पे गए तो पिछला भूल जाता है, उसके साथ साथ उसको लग रहा होता था मैंने पढ़ लिया, लेकिन जब पेपर पे जाते हैं भूल जाता है, या पढ़ने के बाद सेटिस्फाई नहीं होते कि आप मुझे नहीं याद होगा। तो जब आपको जो सपोर्टिव चीज़ें हैं उनको लाजमी आप साथ रखें कि जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये डाइस है, ये जिनकी टांगे काम नहीं उनके लिए ये सपोर्ट है, ठीक है, पीछे होकर खड़े हो जाएं और देते रहें, और थोड़ी देर के बाद आप साइड पे भी आ सकते हैं, क्योंकि सपोर्ट करने वाला आपको यहाँ तक सपोर्ट कर देता है कि आप लाइफ में कुछ कर सकते हैं, ठीक। क्लास में कुछ ऐसे लोग होते हैं उनको बुली किया जाता है,
रहा है, फैमिली में बच्चों को बिल्कुल बुली किया जाता है, तो उनको भी आपने देखना है, बुली नहीं करना। उसके साथ साथ आप एक और चीज़ है, बाकी चीज़ों को मुझे वाइंड अप करने का कहा गया है, अभी बहुत सारी चीज़ें जो करने, रिवेंज है। मोस्टली हमारे पास पेशेंट यही होते हैं जिनमें डिप्रेशन के साथ आते हैं, उनमें रिवेंज बहुत होता है। जब हम उनकी हिस्ट्री ली जाती है तो वो कहते हैं कि फलाह ने मुझे ये किया था, फलाह ने ये किया था, तो उस वजह से ये। एक पिछले दिन मेरा दोस्त था, उसने मुझे कहा कि सर मैंने छोड़ दिया उसको, लेकिन अभी भी गुस्सा नहीं जा रहा। तो मैंने कहा कि उसको दिल से माफ़ करें, दिल से माफ़ करने से वो चीज़ें होती हैं। कहते मैं कहते ही कुछ नहीं, लेकिन फिर भी गुस्सा आता है। तो जब आप बकायदा काम करते हैं कोई भी, तो वो उसका असर होता है। आप कुछ भी करें, उस काम को इंजॉय करें, जब तक आप काम को इंजॉय नहीं करते, आप उसमें वो नहीं जानते कि ये मैं कर रहा हूँ, आप कॉन्शियस नहीं होते, तब तक कुछ नहीं होने वाला होता। तो जो भी काम करते हैं उसको कॉन्शियस करें और कोशिश करें कि वो काम इंजॉय करें। ज़िंदगी में दो ही चीज़ें होती हैं, करना तो पड़ता है, या तो रो के करते हैं या हंस के करते हैं। कितने लोग जो रो के करते हैं, ठीक है, तो करना पड़ता है। लाइफ चल गया तो मरना है या फिर कुछ करना है। तो जब आप करते हैं तो कोशिश करें कि उसको इंजॉय करें। टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है तो वो इशू, लेकिन जब आप इंजॉय करते हैं तो चीज़ें याद रह जाती हैं। जैसे मैंने अभी वाकया सुनाया, और बहुत सारे वाकयात हैं, तो उस काम को कॉन्शियसली करें और इंजॉय करें। नेक्स्ट देखें कुछ है करें, नेक्स्ट करते जाएं। कल्चर फैक्टर बहुत सारे हैं, स्ट्रेसर हैं लाइफ में, हर बंदे के साथ स्ट्रेस है, उसके साथ टाइम मैनेजमेंट है। टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेस में दो चीज़ें आती हैं, फाइट और फ्लाइट का कंसेप्ट शायद सुना होगा आप लोगों ने, सुना है किसी ने? यस सर। ठीक है, तो फाइट है या फ्लाइट है, और एक होता है एस्केप। फाइट करते हैं तो आप लोगों को पता चलता है कि ये कितने योग्य हैं। आप किसी चीज़ को फाइट नहीं करते, आपको क्या पता कि उसमें क्या है, क्या एबिलिटीज हैं, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें चाहिए जिनमें मैं इसको पिछाड़ सकता हूँ या इसका मुकाबला कर सकता हूँ। और फ्लाइट होता है कि उस जगह पे जाके आप उस चीज़ को देखते हैं, देखने के बाद उस जगह से आप वापस आ जाते हैं। आप फील करते हैं कि मैं कमज़ोर हूँ, मैं इसको नहीं मुकाबला कर सकता। एक होता है एस्केप। एस्केप सबसे खतरनाक है, आप वहाँ पर जाते ही नहीं। आपको पता है कि आज प्रेजेंटेशन होनी है और आप नहीं जाते वहाँ पे, तो जब आप जाते नहीं तो आपका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि आपको पता ही नहीं होता कि हुआ क्या था, करना कहते थे। मोस्टली लोग छुट्टी करके बाद में कॉल करते हैं कि आज का काम क्या था, मैम ने क्या करवाया था। तो जब आप प्रेजेंट करते हैं तो आपको पता चलता है कि कितना खौफनाक है, या आपको बाकी लोग भी बताते हैं कि किस तरह इन चीज़ों को हैंडल किया जाता है। स्केप कभी नहीं गए, शुरू शुरू में आपको अगर फ्लाइट करते भी हैं तो नो इशू, लेकिन फ़ाइट लाजमी करें। आपको उसका यही फ़ायदा होता है कि आपको उसका पता चल जाता है कि इसका मुकाबला कैसे करना चाहिए। ठीक है, तो अब टाइम की कमी से काफ़ी चीज़ें स्किप की हैं, फिर अभी जल्दी कोई टाइम मिला या लोग चाहिए होगा किसी को भी, तो आप उनसे रब्ता कर सकते हैं। और कोशिश करूँगा कि आप लोगों को जो मेरे पास नॉलेज है थोड़ा सा वो आपको बता सकते हैं। और पेशेंट, आप जब फील्ड में जाएंगे, पेशेंट ही बहुत कुछ सिखा देते हैं इंसान को, और वो ही चीज़ें आप अप्लाई कर सकते हैं। और कुछ नहीं कहना है मुझे, वसीम भाई का बहुत बहुत शुक्रिया। वसीम साहब कह रहे थे कि आपने आना, इसलिए मैं आ गया, कोशिश की है कि कुछ चार चीज़ें बता दूँ। सर का शुक्रिया, क्लैपिंग से करेंगे सर। थैंक यू सर, शुक्रिया। बहुत ज़बरदस्त ये प्रोफेशनल चीज़ें थी जो आपको आपके सिलेबस से बहुत कम मिलने थी, अगर मिलती भी तो उनको और ये बहुत मेहनत करनी पड़ना थी। तो अभी हमारे बाकी तमाम मेहमान तशरीफ ला चुके हैं, तो इसलिए चीज़ों को थोड़ा सा हमने पास पास किया है। तो जितने मेहमान हैं आ चुके हैं, उनको एंट्री देंगे वन बाय वन, ऐसे जज्बे के साथ हैं जैसे बैठे हुए हैं, भरपूर जज्बे के साथ। जाग रहे हो? यस सर। ये जाग रहे हैं? दोनों में अच्छा कौन है? इन्होंने अच्छा नहीं बल्कि दोनों को बराबर किया। और कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट हैं,
और इसके अलावा उन्होंने सोशल वेलफेयर में बहुत सारी खिदमत दी हैं और पूरे पंजाब में मुख्तलिफ शहरों में जाकर अपनी खिदमत देते हैं। कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट डॉक्टर अशफाक अहमद असर साहब जो कि नॉर्कोटिक कंट्रोल के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर भी हैं और उनके साथ हमारे चीफ गेस्ट और नॉर्कोटिक कंट्रोल कमेटी के चेयरमैन जिनके पास एक विजन है, एक पैशन है कि आप नौजवानों को एक नई मोटिवेशन और जज्बा देना चाह रहे हैं जिससे हमारे पाकिस्तान का हर नौजवान इस काबिल हो कि वो अपनी मेहनत से अपनी फैमिलीज को भी सपोर्ट करे, अपने फ्यूचर को भी बनाए और उसके साथ साथ अपने वतन की तरक्की में भी हिस्सा डाले। चौधरी रमजान परवेज साहब हमारे साथ मौजूद हैं तो एक बार भरपूर तालियों से तमाम आने वाले मेहमानों को वेलकम करते हैं। खुशामदीद और इनका बहुत शुक्रिया कि अपने कीमती वक्त में से टाइम निकाल के यहाँ पे आए। तो अभी आप लोगों के यहाँ पे जो माहौल चल रहा है सीखने सिखाने का उसके उसको हम लेके आगे चलेंगे और आप बच्चों को पार्टिसिपेशन के सर्टिफिकेट भी दिए जाएंगे। उसके लिए आप लोगों का एनर्जी, आप लोगों की जो कोऑर्डिनेशन है वो बहुत ज्यादा चाहिए होगा। प्यारे अपने जज्बे से अदा नहीं करेंगे तब तक वो आपके सामने नहीं आएंगे। तैयार हैं? वेरी गुड। तो खड़े होकर भरपूर तालियों से वेलकम कीजिएगा हमारे अतिथि डॉक्टर दोस्त साहब डॉक्टर अशफाक अहमद असर साहब, कोऑर्डिनेटर नार्कोटिक कंट्रोल जांच। तवील शब की मुसाफत से मैं भी गुजरा हूँ, तवील शब की मुसाफत से मैं भी गुजरा हूँ, मेरा भी हक है तेरे शहर के उजालों पर। सबसे पहले मैं रब्बुल इज्जत का शुक्र अदा करता हूँ कि आज अल्लाह ताला की नेमतों का जो नज़ारा यहाँ पे मैं देख रहा हूँ ये हमारे लिए किसी नेमत से कम नहीं है। सबसे पहले मैं सुपीरियर कॉलेज टोबा टेक सिंह के प्रिंसिपल, इंतजामिया, आज के प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर्स और स्पेशली आम तलबा को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जिन्होंने इंतहाई मुख्तसर वक्त के अंदर एक जामिया और मुनज़्ज़म प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करके ये साबित कर दिया है कि सुपीरियर कॉलेज जो है वो तालीम के सिलसिले में ही नहीं बल्कि तरबियत के सिलसिले में भी जंक टोबा और पीर महल गोजरा यहाँ के स्टूडेंट्स के लिए जितनी वो स्ट्रगल कर रहा है वो काबिल तहसीन है। उसके बाद तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानाने गिरामी जिनमें मोहतरम जनाब चौधरी रमजान परवेज साहब चेयरमैन नारकोटिक्स कंट्रोल पंजाब, उनके साथ मियां मोहम्मद ज़ुबैर इकराम साहब मेंबर नारकोटिक्स कंट्रोल पंजाब, सीईओ हेल्थ जनाब डॉक्टर काशु बाजवा साहब और मेरे नहायत ही दिल के करीब डॉक्टर ज्वेल इकबाल साहब क्योंकि मेरी उनके साथ कोऑर्डिनेशन रहती है, उसके साथ साथ प्रोफेसर हाफिज मोहम्मद लुबान साहब, जुबैर साहब और यहाँ पे जो मीडिया के हजरात मौजूद हैं उनको और सबको मैं खुशामदीद कहता हूँ। ये सेमिनार बेसिकली मेंटल हेल्थ के हवाले से है लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ
कि मेंटल हेल्थ के जो इश्यूज हैं वो उस पर हम बात करेंगे, उसके साथ साथ हम और भी बहुत से इश्यूज हैं जो हमें मसाइल दरपेश हैं उस पर भी हम बात करना चाहेंगे। वक्त बहुत कम है, मैं कोशिश करूंगा कि मैं मुख्तसर वक्त में आप लोगों को थोड़ा सा ये बताने की कोशिश करूं कि नफ्सियात क्या है, साइकोलॉजी क्या है, साइकाइट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट में क्या फ़र्क होता है, और नारकोटिक्स कंट्रोल कमेटी जो जिसके चेयरमैन जनाब रमजान परवेज साहब हैं, उनके हमारे नारकोटिक्स कंट्रोल कमेटी के मकासद क्या हैं और हमने अपना रोल कैसे अदा करना है बेहतर बना सके। स्टूडेंट्स की पूरी तारीफ इंसानियत में नौजवानों ने जो किरदार अदा किया है उसकी मिसाल कुछ इस तरह मैं आपको देना चाहता हूं। सबसे पहले हम 1799 की तरफ जाते हैं। 1799 जो था वो फ्रांस का इंकलाब था, और वो जो फ्रांस का इंकलाब था उसके अंदर सबसे ज्यादा जो रोल था वो तलबा का था, स्टूडेंट्स का था, और उसके साथ नौजवानों का था। नौजवानों से मुराद मेल और फीमेल, बच्चे और बच्चियां उसमें सब शामिल हैं। ये नहीं कि सिर्फ उसमें मर्दों के किरदार था, उसमें हमारी बच्चियों का भी किरदार था, हमारे स्टूडेंट्स का भी किरदार था। उसके बाद 1917 रशिया का जो था उसके अंदर भी हमारे नौजवानों की तरफ आते हैं, तो उस वक्त भी जो इंकलाब था उसमें हमारे स्टूडेंट्स ने एक पार्टिसिपेट किया था। और उसके बाद जो 1947 का एक मुतहर्रक किरदार था उसमें भी हमारे स्टूडेंट्स का रोल था। तो इसलिए हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो मुल्क की तरक्की के लिए, फलाह के लिए ऐसे ही हैं जैसे दूसरे इदारे हैं। और जब तक हम अपने स्टूडेंट्स को, अपने आने वाली जनरेशन को, अपनी कौम को महफूज नहीं बनाएंगे तो हम कामयाब मुल्क नहीं चला सकते, हम तरक्की नहीं कर सकते हैं। उसके बगैर हमारी तरक्की नामुकम्मल है। के लिए कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को जो साथ दिया और उनके वीजन को देखते हुए आगे चलते गए। उसके बाद क्या हुआ, उसकी दो वजूहात हैं। हमारे जितने भी बाद में हुक्मरान आए हैं या तो उनकी नाकस पॉलिसियों की वजह से हमारा निज़ाम तालीम पीछे चला गया, या फिर ऐसा हुआ कि हमारा जो वीजन था हम उस वीजन से पीछे हट गए। जब हम उस वीजन से पीछे हटे तो वो जो हमारा नौजवान था जिसने तहरीक चलानी थी उसने उस तहरीक को नेगेटिव तरीके से चलाया और हम एक मुनज़्ज़म कौम की बजाय बिखर गए। हमेशा से किसी भी कौम के अंदर नौजवान जो होते हैं वो कौम का एक हिस्सा होते हैं, और इसी कौम को बिगाड़ने के लिए ये सबसे पहला हथियार ये होता है कि हम अपनी जनरेशन को बिगाड़ें। जब हमारी जनरेशन में बिगाड़ पैदा होते हैं तो ऐसी कोताहियां पैदा हो जाती हैं जिसकी वजह से हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मेरी तबीयत भी आज कुछ नासाज थी इसलिए मैं ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहूंगा। मेरा दिल था कि मैं काफी सारी बातें करूं, उस्मान मुझे पानी दे देना। तो हम इन मुहरकात को देखें, वो कौन से अमामल थे जिनकी वजह से हमारे नौजवान थे वो दहशतगर्दी की तरफ चले जाए और अपने मिशन से हट गए। उसकी मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। जब हमारे सामने एक विजन ना हो, एक क़यादत ना हो और एक फलसफा ना हो तो तब हम भटक जाते हैं। नौजवानों के किरदार को आप तारीख से मसख नहीं कर सकते हैं। उसकी एक वादिया मिसाल, जब सरवरे कायनात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना से तहरीक का आगाज किया तो उस वक्त भी 10 साल से लेके 35 से 40 साल के वो नौजवान सहाबा थे जिन्होंने उनके वीजन को देखा, वीजन को फॉलो किया। जब आपके सामने वीजन ना हो, कोई मकसद ना हो तो उस वक्त आप कामयाब नहीं होते हैं। उनके सामने एक वीजन था, एक मकसद था, एक फलसफा था, एक अस्वा था। उसी अस्वा को देखकर अबू बकर बन रहे थे, उसी अस्वा को देखकर उमर बन रहे थे, उसी अस्वा को देखकर अली बन रहे थे, और उसी अस्वा को देखकर
उमान बिन औफ बन रहे थे तो वो सहाबा थे जिन्होंने उस वीर को फॉलो किया और वीर को लेते हुए आगे चले। बदकिस्मती के साथ हमारी जो पिछली गवर्नमेंट थी या जितने भी लमकपाल कहते हैं जो मोहम्मद अली जिन्ना का जो फलसफा था उससे उस पर किसी भी गवर्नमेंट ने अमल नहीं किया। हमारे स्टूडेंट्स के लिए किसी ने वो काम नहीं किया। हमारा बीएड नहीं है, हमारे पास फलसफा नहीं है, हमारे पास मंजिल नहीं है। जब हम भटक जाएंगे तो हमें राह दिखाने वाला कौन होगा? जब हमें को राह दिखाने वाला कोई ना होगा तो फिर हम बीरा रवि का शिकार हो जाएंगे। हम उस मंजिल से पीछे हट जाएंगे जो हमारी मंजिल है। तो होता क्या है, जब हम अपनी मंजिल से हटते हैं तो हम दहशतगर्दी की तरफ चले जाते हैं। फिजिकल हेल्थ आती है और फिजिकल हेल्थ जब तक ठीक नहीं होगी हमारा उस वक्त तक वो क्वेश्चन ठीक काम नहीं करता। एक वो क्वेश्चन जिसके बारे में अभी आपसे डिस्कस करूंगा वो है हमारा EQ, इमोशनल क्वेश्चन। जब हमारे इमोशनल क्वेश्चन के अंदर बिगाड़ पैदा होता है तो हम बहुत सारी नफसियाती बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। जब हम नफसियाती बीमारियों का शिकार होते हैं तो उसके अंदर हमारे जो केमिकल रिएक्ट कर रहे होते हैं, जो हमारा CNS सिस्टम होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, वो डिस्टर्ब होना शुरू होता है तो हमारे अंदर बहुत से बिगाड़ पैदा हो जाते हैं। उसमें ये बीमारियों का जिक्र किया हुआ है, आपके पीछे फ्लेक्स लगा हुआ है, डिसऑर्डर है, वो जितने डिसऑर्डर हैं वो लिखे हुए हैं, OCD है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस है। तो आज इसके अंदर एक वो लिखा हुआ है एडिक्शन। तो आज मैं आप लोगों को ड्रग एडिक्शन के बारे में बताना चाहूंगा कि नशा होता क्या है, क्योंकि आज चेयरमैन साहब भी यहाँ तशरीफ फरमाए तो उनके हवाले से मैं ये बताना चाहूंगा कि ये हमारी एडिक्शन क्या होती है, नशा क्या होता है। नशा बेसिकली वो चीज होती है जो आप एक बार इस्तेमाल करते हैं और दोबारा उसको इस्तेमाल करने के लिए उसकी मिकदार को बढ़ाना पड़ता है। एक बार आप चीज इस्तेमाल करते हैं तो हमारे जो ब्रेन के अंदर डोपामिन होता है, डोपामिन उस चीज को इंक्रीज करता है और बार बार उस चीज की हमें शिद्दत के साथ तलब होती है और उसको हम दोबारा रिपीट करते हैं। फिर उस डोपामिन को फॉर एग्जाम्पल अगर 1000 बार वो डोपा होता है तो अगली बार 2000 की जरूरत होती है, फिर 3000 की जरूरत होती है, तो वो बढ़ता जाता है। तो इस तरह हम उस नशे का शिकार हो जाते हैं। नशे के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं? एक चीज होती है नॉन नॉर्कोटिक्स। नॉन नॉर्कोटिक्स नशे के अंदर क्या चीजें हैं? हमारी चाय जो है वो नॉन नॉर्कोटिक्स है, ये भी नशा। हमारी कोक है वो भी एक नशा है। कोक जो थी इस वक्त उसमें से वो चीजें निकाल दी गई है इंग्रेडिएंट्स। जब ये कोक बनी थी तो ये कोक से मींस था कोका से ली गया, तो कोका कहते हैं कोकीन को। कोकीन जो नशा है उससे हासिल करके इसके अंदर जो एक्सट्रैक्ट डाला गया था तो इसलिए इसको कोका कोला बोलते थे। तो ये भी हमारे उस नशे में शुमार होता है। उसके अलावा स्टफ जिसको हम नस्वार बोलते हैं वो भी इसके अंदर आता है। इसको हम एक कैटेगरी में तब्दील करें तो ये हल्का नशा होता है। और उसके बाद हमारी आती है नार्कोटिक्स। नार्कोटिक्स जो है वो एक गहरा नशा होता है, डीप नशा होता है। उसके अंदर जो चीजें आती हैं उसके अंदर हीरोइन है, चर्स है, अफ्यून है और क्रिस्टल है। क्रिस्टल जो थी ये अभी जाके ऐड हुई है, उससे पहले हमारा जो 1997 का जो हमारा नार्कोटिक्स एक्ट है उसके अंदर चार चीजें जिनको मैं डीप और गहरा नशा बता रहा हूँ, ये चार चीजें उसके अंदर शामिल की गई हैं। वो ये है हीरोइन है, चर्स है, अफ्यून है और बाकी चीजें जो हैं, अल्कोहल जो है वो नॉन नार्कोटिक्स में आता है, वो हल्के नशे में होता है। हम इस लत का शिकार कैसे होते हैं? सबसे पहले हमें समझने की ये जरूरत है कि हमारे नौजवान, हमारी कौम, हमारे वालिदैन बहुत सी ऐसी मनगढ़ंत कहानियां बनाते हैं कि जो हमारे साइकोलॉजिस्ट और साइकाइट्रिस्ट की समझ में नहीं आती है। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा कहता है जी कि मेरा बच्चा जी बहुत दुखी था, एग्जाम के अंदर फेल हो गया और उसने वो ड्रग एडिक्ट हो गया। ऐसा पॉसिबल नहीं है। कभी भी आप स्ट्रेस के अंदर या किसी ऐसे लेवल पे आप नशे की तरफ नहीं जाते हैं। उसके अंदर और आपको बीमारियां हो सकती हैं, जैसे कि उसके अंदर आप पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस में जा सकते हैं,
उसके अंदर आप बायोपोलर बन सकते हैं, आप ओसीडी बन सकते हैं, लेकिन आप ड्रग एडिक्ट नहीं बनते हैं। ये एक गलत मिथ है जो पैदा की गई है, जिसकी वजह से हम अपने वो जो असल चीज है उससे पीछे हट जाते हैं। जब ये नशा होता है, इसके बाद और भी नशे की इकसाम हैं, उसमें मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, क्योंकि बेसिकली सेमिनार का मतलब अवेयरनेस होता है, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जब उनके नाम शो कर दिए जाएं तो आप लोग फिर गूगल पे सर्च करते हैं, आपके अंदर ये चीज आ जाती है कि हम गूगल पे सर्च करेंगे है क्या। जब उसको आप गूगल पे सर्च करते हैं तो फिर आपको इस्तेमाल करने का भी शौक हो जाता है कि हम इसको इस्तेमाल करके भी देखेंगे क्या चीज है। इसलिए बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो मैं आपके सामने डिस्क्लोज नहीं करूंगा, क्योंकि ये एक ऐसा इशू है जिसपे हम अपनी कौम को बचाना चाहते हैं। उसके अलावा और जो नशे होते हैं उसके अंदर हल्के नशों के अंदर तहवील होने वाले नशे होते हैं, जैसे कि स्मद बॉन्ड है, स्मद बॉन्ड का भी लोग नशा करते हैं, पेट्रोल का नशा किया जाता है, पेट्रोल को भी सूंघकर नशा हासिल करते हैं। उसके अलावा आजकल जो सबसे बड़ा नशा ड्रग्स के अलावा है हमारा, वो हमारी जनरेशन, हमारे स्टूडेंट्स, हमारी कौम जो है वो स्क्रीन एडिक्ट हो चुकी है। स्क्रीन वो नहीं है कि जो आप कहते हैं कि वो स्क्रीन वाला शरबत पी लिया, स्क्रीन एडिक्ट का मतलब है कि जो मोबाइल है, जो सेल फोन है, इसकी जो एडिक्शन है शायद ये उनसे भी ज्यादा बड़ी एडिक्शन है। तो हमने अपने आप को इन चीजों से कैसे बचाना है? नशे की तो मैंने आप लोगों को तफसील बता दी है, और उसके बाद जो हमारे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं वो जो जब हमें डिस्टर्ब करते हैं तो हमारे पेरेंट्स, हमारी सोसाइटी, हमारे वो लोग जो हमारे दोस्त होते हैं हमें अपने दुश्मन लगने लगते हैं। नशे का जो मरीज होता है वो बेसिकली बहुत ही प्यार की जरूरत होती है, मोहब्बत की जरूरत होती है, जबकि हम उनको सोसाइटी में नेगलेक्ट करते हैं। उसमें हमारे पेरेंट्स की भी गलतियां हैं। जब आप किसी के बच्चे को जाके बताएंगे कि जी आपका बच्चा जो है वो एडिक्ट हो चुका है, वो स्मोकिंग करता है, तो सबसे पहले आप लोगों के वो दुश्मन बन जाएंगे, जी हमारे बच्चे को तो ये बदनाम किया जा रहा है, हमारा बच्चा तो ऐसा है ही नहीं। उसकी आपको कैसे पता चलेगा कि कॉमन बंदा सोसाइटी में 200 बच्चे बैठे हैं, 300 बच्चे बैठे हैं, उसमें आप कैसे पहचान करेंगे कि कौन सा बच्चा एडिक्ट है? जो स्टूडेंट्स, क्योंकि बदकिस्मती के साथ आजकल हमारे तालीमी जो इदारे हैं उसके अंदर मंशियात का रुझान इतना ज्यादा बढ़ रहा है कि वो हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है, और उसके अंदर सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल हो रहा है वो क्रिस्टल हो रही है। क्रिस्टल के जो नुकसान हैं वो तो एक लंबी डिटेल में जाना पड़ेगा, लेकिन मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि जब हम किसी को पहचानेंगे तो कैसे पहचानेंगे। नशे का मरीज सबसे पहले दूसरों से अलग थलग रहना शुरू कर देगा, वो गैदरिंग में नहीं जाएगा, वो किसी के अंदर बैठेगा नहीं। जो स्टूडेंट्स होंगे आपके, जितने भी फेलोज होंगे, वो उनके साथ कभी भी कम्युनिकेट नहीं करेगा, वो अलग से एक अपना सिस्टम बनाएगा, अलग से दुनिया बनाएगा, और फिर उसको उसमें शामिल करने के लिए दूसरे लोगों को नशा इस्तेमाल करने की नसीहत करेगा। होता है वो एक डॉक्टर होता है और वो ट्रीटमेंट करता है थ्रू प्रॉपर मेडिकेशन। जब मरीज उस मेडिकेशन के साथ इस काबिल हो जाता है कि वो विड्रॉल के सिम्टम में ना जाए और बाकी चीजों को वो रिकवर करता है, उसकी फिजिकली सेहत बेहतर होना शुरू हो जाती है, तो उसके पास उसकी रिहैबिलिटेशन के लिए जो सबसे बड़ा किरदार होता है वो साइकोलॉजिस्ट का होता है। आप लोग काउंसलिंग के जरिए, साइकोथेरेपी के जरिए उन चीजों को रिकवर करते हैं ताकि हमारा पेशेंट जो है वो डे बाय डे वो बेहतरी की तरफ जाए। डॉक्टर का भी काम जो है वो एक हद तक है, और उसके बाद जो जितना भी रोल है वो सारा साइकोलॉजिस्ट का रोल है। मुझे खुशी हो रही है कि आज इस प्लेटफॉर्म पे चेयरमैन जनाब चौधरी रमजान परवेज साहब के होते हुए आज ये मैं दो चीज़ें डिस्कस करना चाहता हूँ। मैं टाइम ज़्यादा नहीं लूँगा, जो सपने भी जाना है और मुझे और भी एक प्रोग्राम में जाना है। जिस तरह हमारे मुल्क के अंदर हमारी फौजे पाकिस्तान, एंटी नारकोटिक्स फोर्स, हमारे इदारे,
काम कर रहे हैं और जिस तरह दहशतगर्दी के खिलाफ रद्दुल्फिसाल चल रहा है और साथ साथ इससे पहले ज़र्बे अज़ब हुआ था, आप लोग मुझसे एक वादा करें, चौसा अगर आपकी इजाज़त हो तो जैसे ज़र्बे अज़ब शुरू हुआ था उसके बाद क्या हुआ था कि उस चीज से हमने उससे निकल गए थे, आज हम दो ज़र्बों का आगाज करें। जो स्टूडेंट्स, जो तालिब इल्म, जो टीचर्स, जो प्रोफेसर मेरे इस बात की तारीफ करते हैं वो हाथ खड़ा करें, हाथ खड़ा करें कि जो मैं बात करने लगा हूं उस पर अमल होगा। नहीं, हाथ कम है, कुछ लोग नहीं चाहते हैं। आज हम जैसे रद्दुल्फिसाल था और ज़र्बे अज़ब था, हम आज दो वादे करें कि हम दो चीजों पे अज़ब शुरू करें, ज़र्बे अज़ब की जगह एक हम ज़र्बे अमल स्टार्ट करें और एक हम ज़र्बे इल्म स्टार्ट करें। ज़र्बे अज़ब के साथ जो ये दो चीजें मैंने जोड़ दी हैं, ज़र्बे अमन के साथ क्या होगा, हमारी नारकोटिक्स फोर्स, हमारे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, हमारे फौज पाकिस्तान, हमारी पुलिस, वो अपना रोल अदा करें और इस लानत को ख़त्म करने के लिए अपना एक भरपूर किरदार अदा करें और हम अपने इल्म के जरिए, वो अपने उस सलाहियत के जरिए इस मुल्क से इनके लोगों को ख़त्म करें और इस लानत को ख़त्म करें और आप लोग अपने इल्म के जरिए, अपने उस नॉलेज के जरिए लोगों के जहनों को बंजर बना दें इस सोच के साथ कि जो नेगेटिव सोच है, जो मुहरकात पैदा होते हैं, अगर हमारे हम एक बीज बोते रहेंगे वो पौधे उगते रहेंगे। हमारा मकसद जब हम उस बीज को ख़त्म करना है, उस दहशतगर्दी की सोच को ख़त्म करना है जो हमारी नौजवान नस्ल को तबाह कर रही है और नशा जैसी लानत उनके रगों में उतार रही है, तो मेरा ख्याल है कि अब मैंने टाइम ज़्यादा ले लिया है। इसी बात के साथ आप लोगों से मैं इजाज़त चाहूँगा कि मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हम इस लानत को भी ख़त्म करेंगे और इस नासूर को ख़त्म करके मुआशरे को एक बाइज्जत और मुअज्जत मुआशरा बनाएंगे। और मैं इस उम्मीद के साथ इजाज़त चाहता हूँ कि खजा रखेगी दरख्तों को बेसमर कब तक, खजा रखेगी दरख्तों को बेसमर कब तक, गुजर ही जाएगी ये रुतबे हौसला रखना। थैंक यू। दस चीज़ें उन्होंने दरिया जो था वो समंदर बल्कि ऊजे में बंद किया, कि उन्होंने आपको नार्कोटिक के बारे में बताया, उन्होंने आपको मेंटल हेल्थ के बारे में भी बताया। तो मैं अभी क्योंकि साथ साथ चीज़ों को चलाना है तो मैं डॉक्टर अशफाक अहमद असद साहब से फिर गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पे आएँ और अपने दस्ते मुबारक से जब बच्चों को पार्टिसिपेशन के सर्टिफिकेट दें और उनका साथ देने के लिए आएंगे चौधरी रमज़ान परवेज साहब जो चेयरमैन हैं नार्कोटिक कंट्रोल के। आपकी भरपूर तालियों में स्टेज पर तशरीफ ले के आ रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मियां ज़ुबैर हुसैन डायरेक्टर साहेब, डॉक्टर काशिफ बाजवा सी ओ साहेब, डॉक्टर जुवेर इकबाल चिट्ठा साहेब, प्रोफेसर डॉक्टर वसीम अकरम बोल गिरेवाल साहेब, मोहम्मद ज़ुबैर साहेब, मोहम्मद उस पर घोड़े भी थे, डांस भी था और डिफरेंट कल्चर्स को पंजाब होस्ट भी था, सिंध के जो कल्चर है, बलूचिस्तान का कल्चर, केपीके का कल्चर, माशाल्लाह बच्चों ने बहुत ज़्यादा उस पर मेहनत की। तो मुझे बहुत, मैंने जितना एंजॉय वहाँ पे किया, वहाँ पे आपको पता होगा आप भी नज़र थे, हमारे जो बच्चियाँ थी तो मैंने जंप किया घोड़े पे सवार होकर, उसके बाद बच्चों ने डांस किया, मैंने डांस में भी हिस्सा ले लिया, उसके बाद हमारे एमपी साहब भी घोड़े पे बैठ गए, चक्की भी पीसनी शुरू कर दी।
तो जब आपके फंक्शन था तो हमने एवरी मोमेंट एंजॉय किया। तो इसी तरह हमें अल्लाह ताला ने एक जिंदगी दी है, हमें जो काम भी करना चाहिए वो पैशन के साथ करना चाहिए और हर मोमेंट को एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि एक जिंदगी है, पता नहीं कब ख़त्म हो जाए। तो ये मैं समझता हूँ कि अपने आप को खुश रखना ये बड़ा ज़रूरी है और अपने माइंड के मुताबिक, अपनी माइंड के मुताबिक चलना भी बड़ा ज़रूरी है, उसे आपको खुशी मिलेगी। तो उसके बाद मैं ये कहना चाहूँगा कि एक नॉलेज और इल्म क्या फ़र्क है दोनों चीज़ों में? नॉलेज क्या है, इल्म क्या है? नॉलेज वो है जो अगर आप मेडिकल की डिग्री करते हैं आप डॉक्टर बन जाते हैं, वो एक प्रोफेशनल है, डेंटिस्ट बन जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं, पॉलिटिशियन बन जाते हैं। इल्म और नॉलेज में फ़र्क क्या है? इल्म वो चीज़ है, अगर आपको एक चीज़ का एक मालूम नहीं है कि जिस फोन किस तरह ऑन होता है, फॉर एग्जाम्पल, तो मैं उनको दिली मुबारकबाद देता हूँ। और जो नहीं हासिल कर सके, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपने उनके जेलस नहीं होना, आपने मेहनत करनी है ताकि नेक्स्ट ईयर आप भी नामा हासिल करें। अक्सर मैं फंक्शन पे जाता हूँ, जब किसी को अनाम मिलता है तो बाकी पेरेंट्स भी पहुँच रह जाते हैं और दूसरे बच्चे बच्चे